जी, कमला जी, रानी चौधरी साहब, शंकर मीना जी, घनश्याम नायर साहब, सभी साथियों तथा गला मिला बैठते हैं। आज सुबह से हम लोगों ने सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। विधानसभा के चुनाव 7 तारीख को है। अभी पूरे प्रदेश ने हमें दौरा किया। कल राहुल गांधी जी दोबारा आ रहे हैं उदयपुर, भीमबाड़ा और हनुमानगढ़ का प्रोग्राम है। पूरे राजस्थान में सभाएं हो रही है, कांग्रेस के पक्ष माहौल बन रहा है। भाजपा के हमारे साथी जो अलग अलग देश के कोनों से आ रहे हैं, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, वो सब राजस्थान की लाइन लगा रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हार हो वो सम्मानजनक हो, हमारा सूपड़ा साफ नहीं हो जाए। इसलिए बीजेपी के सारे नेता यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं। सूखा पड़ा, आकार पड़ा, नौजवान विरोध पर सड़कों पे घूमते रहे, महिलाओं का बलात्कार हुआ, और आदिवासी भाइयों के साथ मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ के, उनकी कोई लड़क थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन 5 साल तक हमारे बिना वो सब जानता हूँ, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो। पहली बार हुआ कि राजस्थान में समाज का कोई मंत्री नहीं बना, कांग्रेस के राज में 3-3 मंत्री होते थे। ये समाज जमीन से जुड़ा हुआ कास्ट का समाज है, हमारे एसटी के भाई, एससी के भाई, हम सब किसान काम के लोग हैं, लेकिन किसानों को पसंद कौन करता है? जयपुर में राज करने वाले भाजपा के नेताओं को किसान में से कोई लेना नहीं है, किसान को कोई कुछ समझता नहीं है। वो तो कोई ठेकेदार हो, कोई दलाल हो, कोई काले बाजारी करने वाला हो, कोई खान का मालिक हो, कोई बजरी का ठेकेदार हो, उससे तो आपस में करते हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी है वोट डालने की, सरकार बनाने की। इस गांव में रामलाल जी बता रहे थे, हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। 1984 में पहली बार हमारे बगल का जिला दौसा है, वहाँ पहली बार स्वर्गीय तारिक साहब का चुनाव लड़ा था। 1984 याद है, मुझे बताते भी थे। वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहनों ने, दौसा जिले के उन लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया था, और पहली शुरुआत दौसा जिले में हमारे एसटी भाइयों बहनों ने करी थी। पारिक साहब को आशीर्वाद दिया था, और लगातार 8 बार पारिक साहब हो, मेरी माँ रमा जी हो या मैं हो, जब जब हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा हमारे एसटी के भाइयों ने, खासकर हमारे मुड़ा समाज के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। बचपन से इस समाज की छाया में पला बड़ा हूँ, और जब मैं अध्यक्ष बना था तो मैंने संकल्प लिया था कि मेरे संगठन कांग्रेस पार्टी में जब राज बनेगा, अभी 15 दिन के बाद कांग्रेस का, तो समाज की जो अनदेखी हुई है, जो विवाद पैदा किए गए, अभी विवाद क्या पैदा हुआ था, मीना कौन है, मीना कौन है, इसमें झगड़ा पैदा कर दिया, सर्टिफिकेट दे दी थी सरकार। अरे मैंने कहा भाई, पानी भी है, पानी भी है, जैसे पानी पानी है जैसे मीना मीना है, लेकिन जानबूझ के लटकाया गया, तो जानबूझ के समाज के साथ अनदेखी की गई है। मैं आप लोगों को आज वादा करने आया हूँ, राहुल जी बोल चुके, राज कांग्रेस का बनेगा तो किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी कर देगी। कांग्रेस पार्टी ये भी कहा कि राजस्थान में जो बच्ची पैदा होगी उसके पैदा होने से लेके अंत तक, वो कितना भी पढ़ना चाहे, कहीं भी पढ़ना चाहे, कैसा भी पढ़ना चाहे, पूरे जीवन की उसकी शिक्षा राजस्थान सरकार पूरा खर्चा वहन करेगी, ताकि हमारी बहन ये माँ बेटा पढ़ लिख सके। ये काम हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, सरकार बनने की बात करेंगे। मैं तो आज आपसे वोट लेने आया हूँ। पूरे दौरे करने के बाद मेरा मन था कि आपकी पंचायतों में सबसे राम राम करूँ, वोट लेने के लिए आपसे आग्रह करूँ, लेकिन मुझे बताओ साथियों, मैं तो भाषण दे दिया, ये चौकी के बारे में लोग बोलते सब कांग्रेस को वोट डालते डालते ही डालते तो चौकी के मेरे बहन भाइयों, चौका नहीं लगाना है, छक्का लगाना है। हाथ जोड़ा